अखिलेश पर बार बार गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगते रहते हैं और कन्नौज में अखिलेश ने इन आरोपों का मंच से तो जवाब दिया लेकिन पुलिस की नौकरी छोड़ बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे असीम अरुण पर भी बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि जो वर्दी उतारकर चुनाव लड़ रहा है उसका नशा उतारो। सुना है एक वर्दी उतार के भी आ गए हैं कुछ लोग जिन्होंने जिंदगी भर लूटा, जिन्होंने जिंदगी भर वसूला। कन्नौज में आए हैं ये जो वर्दी उतार के आए हैं, इनका नशा उतारोगे कि नहीं उतारोगे कन्नौज वालों? मैंने सुना है कि झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सुना है बहुत झूठ बोल रहे हैं। चुनाव लड़ाना था, चुनाव लड़ाना था तो वर्दी उतार दी। सोचो जो वर्दी उतार के अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने आए हैं, उन्होंने वर्दी पहन करके कितना अन्याय किया होगा समाजवादियों पे, ये सोच करके जाना। जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें, क्योंकि इधर हमारे बाबा जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं लेकिन इनकी सरकार के बारे में भी मुड़ के देखो, बताओ आईपीएस फरार है कि नहीं है? आईपीएस फरार है और एक व्यापारी को वसूली के नाम पर पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बताओ व्यापारी की जान गई थी कि नहीं गई? अखिलेश यादव योगी राज के क्राइम को मुद्दा बना रहे हैं तो सीएम योगी ने कहा कि 10 मार्च को फिर से बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करेगी। फिर एक बार 300 पार। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के प्रति ये जनता जनार्दन का उमड़ता हुआ आशीर्वाद है। जो 10 मार्च को 300 पार के लक्ष्य को प्रदान करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा। घर में कौन क्या पहनता है, बाजार में कौन क्या पहन के जा रहा है, उनका अपना विषय है। संस्थाओं के अनुशासन को हर व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। एक दूसरा, हम अपनी व्यक्तिगत आस्था और अपने व्यक्तिगत कानून को देश पर नहीं लागू कर सकते, संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं चलेगी, ये हम लोगों का बहुत स्पष्ट मानना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।